हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इनफर्टिलिटी रेफर्स टू इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 to 4 टाइम्स पर वीक विदाउट यूज ऑफ एनी बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, मतलब इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव होने में इनएबिलिटी होना, ठीक है, 12 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब और मतलब 12 मंथ का जो पीरियड है, मतलब एक साल के अंदर अंदर कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, मतलब किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किए बिना इंटरकोर्स हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 to 4 टाइम्स पर वीक। ठीक है, और फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाना तो ये इनफर्टिलिटी कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी तो दो टाइप की होती है इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जो फर्टिलिटी, इस टाइप की फर्टिलिटी में क्या होता है कि पहले कंसेप्शन नहीं हुआ हो एक बार भी। ठीक है, इस वुमन नेवर हैड एनी कंसेप्शन। ठीक है, तो वुमन को पहले कभी कंसीव नहीं हुआ तो वो होगी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि पहले वुमन जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव कर चुकी हो पहले, ठीक है, विदाउट ए लाइव बर्थ। ठीक है, इवन इफ शी हैड एन अबॉर्शन इन पास्ट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, कॉजेज देखते हैं इसके क्या क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो मेल फैक्टर एंड फीमेल फैक्टर्स दोनों होते हैं इसके। तो सबसे पहले फीमेल फैक्टर्स में देखते हैं, तो सबसे पहले ओवेरियन फैक्टर्स होते हैं कुछ। तो ओवेरियन फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि कुछ हॉर्मोनल कॉज हो, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो या फिर ओवेरियन सिस्ट हो या फिर ट्यूमर हो या फिर ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस हो या फिर इन्फेक्शन हो लाइक टीबी या फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर हो। ठीक है, और उसके बाद में ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर, कुछ ट्यूबल या पेरिटोनियल फैक्टर्स हो, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, जैसे कि जो ट्यूब में है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिमरी एडहेजन के कारण उसमें ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ओवम या स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। यूटेराइन, उसके बाद थर्ड है यूटेराइन फैक्टर, कुछ यूट्रस से रिलेटेड कुछ फैक्टर हो। ठीक है, कुछ यूट्रस में कुछ डिजीज हो या फिर कुछ और एबनॉर्मलिटी हो। ठीक है, और उसके बाद में फोर्थ होता है सर्वाइकल फैक्टर्स, कुछ सर्विक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, वेजाइनल फैक्टर्स, तो वेजाइनल फैक्टर्स में क्या हो सकता है कि जो वेजाइना है वो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण या फिर इन्फेक्शन या कंजेनाइटल एनोमली के कारण स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ कम्बाइंड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एंडोक्राइन फैक्टर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कॉजेज होते हैं, कुछ एड्रिनल कॉजेज होते हैं या थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं या डायबिटिक मेलाइटिस के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, फिर रीनल डिजीज या रीनल फेल्योर के कारण हो सकता है। ठीक है, ठीक, और कुछ और भी हो सकते हैं, फिर एनाटोमिकल फैक्टर्स हो सकता है यूट्रस की एनाटॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेस्टेशन हो सकते हैं या फिर प्रीवियस ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि अनहाइजीनिक ऑब्स्ट्रेक्टिकल प्रैक्टिस या एसेप्टिक अबॉर्शन या इट्स कॉम्प्लिकेशंस, परप्यूरल सेप्सिस या पोस्ट अबॉर्टल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या फिर एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, अल्फा टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स इन वाटर और फूड, या फिर डाइट कुछ ऐसी हो क्या, जैसे कि कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल हो। ठीक है, और उसके बाद में कुछ मेल फैक्टर्स देखते हैं। तो मेल फैक्टर में डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस,
तो डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेमाइनल डक्ट ड्यू टू इन्फेक्शन और कंजेनाइटल एनोमली, या फिर एब्सेंस के कारण, ट्रोमा के कारण, या फिर इम्पेयर्ड प्रोस्टेट सिक्रीशन के कारण, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट डक्ट, ठीक है, एफरेंट डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर फेलियर टू डिपोजिट स्पर्म हो, या फिर सेमाइनल फ्लूड एरर्स हो, ठीक है, ठीक है। या फिर टेस्टिकुलर कुछ डिसऑर्डर्स हो, जैसे ट्रोमा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कंजेनाइटल फैक्टर, ऑक्यूपेशनल फैक्टर या एक्वायर्ड फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं इनफर्टिलिटी के, जैसे कि एज, ठीक है। एज अगर अगर ज़्यादा एज है तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्मोकिंग, ओवर वेट, ओवर एक्सरसाइज, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर मेंटल स्ट्रेस। उसके बाद में इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, जेनेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, गाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, हॉर्मोन एस्टिमेशन, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, सोनोग्राफी के थ्रू, या फिर रूबिन्स टेस्ट के थ्रू, या फिर हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी HSG के थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। तो HSG के थ्रू ट्यूबल पेटेंसी को देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट करके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करके हम इनफर्टिलिटी का पता लगा सकते हैं कि क्या कोज है। उसके बाद में मैनेजमेंट, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, मेंटेन आइडियल कोइटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये क्या है आइडियल कोइटल फ्रीक्वेंसी, तो 3-4 times पर वीक इन फर्टाइल पीरियड, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ LH सर्ज किट, ठीक है, यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज किट, अवॉइड ल्यूब्रिकेंट, स्पर्मिसाइडल जेलीज और क्रीम्स, अवॉइड फर्टिलिटी इम्पेयरिंग मेडिकेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी में 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, मेडिकेशन, सर्जरी एंड ART, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिकेशन में देखते हैं कि जो मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी का कोज क्या है। तो कपल जो होता है वो उसको काउंसिल किया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या क्या उसको सही कोज क्या है इनफर्टिलिटी का, तो उसके लिए उसको काउंसिल किया जाता है, ठीक है, और रियलिस्टिक प्रोग्नोसिस ऑफर किया जाता है उसको, ठीक है, और उसको एडवाइस किया जाता है प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स एंड टू अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या करते हैं उसका, ट्रीटमेंट फॉर अन ओवुलेशन। तो अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट है उसके लिए हाई एस्ट्रोजन लेवल देते हैं पेशेंट को, जैसे कि क्लोमीफेन 50 mg डेली फॉर 5 days तक देते हैं, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग अब करते हैं साइकिल के 2-3 days से इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, और डोज को इंक्रीज किया जाता है 100 mg तक भी। अगर 3 months तक इस 50 mg का रेस्पॉन्स अगर 3 months तक नहीं आता है तो डोज को इंक्रीज किया जाता है 100 mg तक, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम डोज जो है वो 150 mg सिंगल डोज पर डे ही दी जा सकती है, ठीक है। और जो क्लोमीफेन है वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती है और जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करती है, ठीक है, जो कि ओवुलेशन को कोज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा भी है, जैसे कि लो एस्ट्रोजन लेवल, तो लो एस्ट्रोजन फॉर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक कोज फॉर अन ओवुलेशन। उसके अलावा इंजेक्शन भी दे सकते हैं कंटेनिंग FSH एंड LH, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम day 2 एवरी अल्टरनेट डे टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पेल्विक इज डन फॉर फॉलिकल मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके बाद में ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जरीज में देखते हैं सबसे पहले सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। अगर ट्यूमर है, अगर ओवरी में ट्यूमर है या कहीं भी ट्यूमर है तो उसको
रिमूव किया जाता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ओवेरियन ट्यूमर या फिर सिस्ट और एबनॉर्मलिटी कॉजिंग इनफर्टिलिटी, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कैन बी परफॉर्म इन सेम सेटिंग। उसके बाद में बेल्यून ट्यूबोप्लास्टी। तो बेल्यून ट्यूबोप्लास्टी में क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ट्यूब्स का ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए बेल्यून ट्यूबोप्लास्टी प्रोसीजर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है फिम्ब्रियोप्लास्टी, ठीक है। तो अगर फिम्ब्रिया का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ आसपास, तो वो क्या होता है कि ओवम या फिर स्पर्म में या फिर जायगोट के ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, तो जो फिम्ब्रियो होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको फिम्ब्रियोप्लास्टी बोलते हैं। उसके बाद में एडेजिनोलाइसिस, कुछ एडेजन्स बने होते हैं यूट्रस के आसपास, तो उनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। उसके बाद में ए आर टी जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इन्वॉल्विंग डायरेक्ट रिट्राइवल ऑफ ओसाइट फ्रॉम ओवरी, मैनिपुलेशन ऑफ गमेट्स एंड एम्ब्रियोज आउटसाइड बॉडी फॉर पर्पज ऑफ एस्टेब्लिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओसाइट्स है ओवरी से ओसाइट्स को रिट्राइवल किया जाता है, ओवरी से ओसाइट्स को बाहर निकाल लिया जाता है और गमेट्स या एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद में वापस यूट्रस में डाला जाता है और प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की ARTs हैं, जैसे कि फर्स्ट है IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, सेकेंड है IVF ET इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, थर्ड है GIFT गमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फोर्थ है ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, एंड फिफ्थ है ICSI इंट्रा साइक्लोप्लास्टिक प्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इनके देखते हैं कि करके इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वास्ट स्पर्म उनको यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। IVF ET में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के गमिट्स को लेकर फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप लिखे हुए, इसमें फर्स्ट है स्पर्म कलेक्शन, सेकेंड है द एग आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, थर्ड है द एग आर फर्टिलाइज विद स्पर्म इन लेबोरेटरी, फोर्थ है द फर्टिलाइज्ड एग आर ग्रो, ठीक है, फर्टिलाइज एग ग्रो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मोरूला एंड ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फोर्थ डे पे। उसके बाद में उसको एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस, उसके बाद में उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा वापस उस ब्लास्टोसिस्ट को। बिफोर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सैंपल यूज ओनली। उसके बाद में गमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर GIFT GIFT सिमिलर टू IVF बट इट डिफरेंस इन दैट देन IVF टेक्निक फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि IVF से ही सिमिलर होता है, लेकिन इसमें IVF में क्या करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया जाता है स्पर्म एंड ओवम का, उसके बाद में एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है, एम्ब्रियो और स्पर्म को मिक्स किया जाता है इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन जो हो उसका वो यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। डन इन केस ऑफ मेल डज नॉट टू नॉट हैव कैपेसिटी टू इजैकुलेशन डीपली, मतलब ये जो प्रोसीजर है वो ऐसे केस में किया जाता है जिस केस में जो मेल है वो मेल की कैपेसिटी नहीं हो, जो डीपली इजाकुलेशन के लिए मेल की कैपेसिटी नहीं हो, इस केस में ये प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर JIFT एग सेल रिमूव्ड एंड फर्टिलाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड जाइगोट प्लेस इन फेलोपियन टू फॉलोइंग डे फर्स्ट ऑफ IVF।
इसमें क्या होता है कि एक सेल को रिमूव करने के बाद में उसको फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है। स्पर्म एंड ओव को फर्टिलाइज करवाने के बाद में जो फर्टिलाइज करवाने के बाद में जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एग सेल। इसमें क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्टली एग सेल के अंदर ही, ओम के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। डन इन केस ऑफ मेल फैक्टर इनफर्टिलाइल, ठीक है, जो मेल फैक्टर इनफर्टिलाइट है उस केस में इस प्रोसीजर को किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया आज, इनफर्टिलिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।